आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों पर आइए डालते हैं एक नज़र। आज रात 12 बजे से ऊर्जा विभाग के लगभग 3500 कर्मचारी हड़ताल पर चले गए। अब जनता को होने वाली है परेशानी। पिछले 20 जुलाई को दिन के सांकेतिक कार्य बहिष्कार के बाद ऊर्जा विभाग के कर्मचारियों ने 27 तारीख से बेमियादी हड़ताल पर जाने की घोषणा की थी। इस घोषणा के बाद भी विभागों के अधिकारी हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे। आज आनंद फानन में सचिव ऊर्जा और मुख्य सचिव से कई दौर की बातचीत हुई, लेकिन इस बातचीत का कोई नतीजा निकल नहीं पाया। सरकार और कर्मचारी संघ में सहमति नहीं बन पाने की वजह से खबर लिखे जाने तक लगभग बेमियादी हड़ताल पर कर्मचारियों का जाना तय है। गौरतलब है कि ऊर्जा विभाग के तीनों निगमों UPCL, UJVNL व पिटकुल में कार्यरत सभी कर्मचारी इस हड़ताल में शामिल हैं। इनकी मांग है कि नियमित संविदा पेंशनरों की ACP की पूर्ववर्ती व्यवस्था 9/14/19 पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिले। ये आंदोलन में संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण व समान वेतन की मांग सहित 14 सूत्री मांगों पर निगम प्रबंधन एवं उत्तराखंड शासन द्वारा कोई भी सकारात्मक कार्रवाई न किए जाने के विरोध में किया गया है। आंदोलन में तीनों निगमों में कार्यरत नियमित अधिकारियों, कर्मचारियों, संविदा कर्मचारियों व पेंशनर शामिल हैं। इधर लगभग ऊर्जा विभाग 3500 कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने की खबर से ही सरकार के हाथ पैर फूले हुए हैं। बिजली अति आवश्यक सेवा में आता है, ऐसे में अगर कर्मचारी हड़ताल पर जाते हैं तो पावर प्रोजेक्ट व बिजली के सुचारू बहाली पर नकारात्मक असर पड़ना तय है। वहीं राज्य की जनता भी ऊर्जा विभाग के बेमियादी हड़ताल पर जाने की खबर से डरे हुए हैं। कई स्कूलों में बच्चों की ऑनलाइन परीक्षा हो रही है और पेरेंट्स को इस बात का डर सता रहा है कि अगर कल बिजली चली गई तो बच्चे ऑनलाइन परीक्षा कैसे देंगे। न्यूज 9 भारत के लिए देहरादून से दीपाली की रिपोर्ट। ये हमारा 14 सूत्री मांग पत्र पहले ही जनवरी में जो है सरकार को दिया जा चुका है और जनवरी से लगातार हम लोग जो है सरकार को इस मामले में स्मरण कराते रहे हैं। बीच में 27 मई को भी हमारी हड़ताल प्रस्तावित थी, लेकिन प्रदेश हित में उस समय कोरोना का ज़्यादा प्रभाव था तो प्रदेश हित में माननीय मुख्यमंत्री जी के तत्कालीन मुख्यमंत्री जी के आश्वासन पे हमने वो हड़ताल जो है स्थगित की थी। लेकिन इस मध्य कोई भी किसी तरह का स्टेप जो है सरकार की तरफ से नहीं उठाया गया। ये नोटिस पहले ही सर्व किया जा चुका था, इसलिए जो है हम लोग जो है सत्याग्रह कर रहे हैं आज ये, और 3 बजे से हमारी रैली है। उसके बाद भी अगर जो है सरकार की तरफ से कोई भी डिसीजन हमारे फेवर में नहीं आता है तो हम लोग जो है आज मतलब रात्रि से 26 की रात्रि से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। देखिए, हमारी जो मांगें मेन है वो पिछले जो है हमारे 40 वर्षों से राज्य मध्य परिषद में मिला हुआ था 9/14/19 समयबद्ध वेतनमान, वो सरकार ने 2017 से ख़त्म कर दिया गया है, वो प्रमुख मांग है। उसके अलावा हमारे जो समान कार्य समान वेतन जो लोग काम कर रहे हैं डिपार्टमेंट में उनको उनके वाजिब हक मिलने चाहिए। तीसरा हमारा GPF पेंशन और ऐसी हमारी 14 सूत्री मांगे हैं। यही अवर अभियंता का ग्रेड 4800 आज तक ये हुआ है, होता है कि हमारे अवर अभियंता का ग्रेड पे हम जो उसका वेतनमान है वो शासन से उच्च हुआ है, लेकिन ये पहली बार ऐसा हो रहा है वेतनमान जो हमारा जो है अवर अभियंता का वेतनमान जो अन्य विभाग है उनके वेतनमान से कम बराबर और कम कर दिया गया है। तो इसे बिल्कुल स्वीकार नहीं किया जाएगा और समानता रूप से जो हमें मिल रहा था वो हम अपने हकूकों को छीने नहीं देंगे किसी भी हालत में। सरकार को हमने बहुत आग्रह कर लिया, 4 साल वेट कर लिया, पूरा इंतज़ार कर लिया, सारी मंत्रणा कर ली, सारे हाथ जोड़ लिए, अभी भी वो प्रचंड बहुमत की सरकार बिल्कुल होश में आने की स्थिति में नहीं है। तो मेरा आपसे मीडिया के बंधुओं से अनुरोध है कि अपनी हमारी ये दिल की पीड़ा उन तक पहुंचाएं और उनके आसपास जो बैठे हुए हैं जो उनको दिग्भ्रमित कर रहे हैं, जो गलत बात बता रहे हैं उनको सही बात, जो ग्राउंड टू अर्थ पे करंट चल रहा है उसको नहीं बता रहे हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि जो आप देख रहे हैं अपने पीछे विशाल जो अपना जन सैलाब है, हमारे सब कर्मचारियों का सैलाब है, उस सैलाब से उन्हें अवगत कराएं और निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं, और हमें ये हम बिल्कुल नहीं चाहते, किसी भी स्थिति में नहीं चाहते कि हम हड़ताल पर जाएं, बिल्कुल नहीं चाहते, क्योंकि हमारा परिवार भी उसी जो है उसी मोहल्ले में उसी घर में हमारे परिवार के सदस्य लोग हैं, हमें भी तकलीफ होगी, ऐसा नहीं है, और हमें कोई शौक नहीं है बिल्कुल भी हड़ताल करने का, परंतु सम्मान से बढ़कर कुछ नहीं है। उस सम्मान को पाने के लिए हम आज अगर सरकार का कोई उपचार नहीं होता है तो आज रात्रि से हम जो है अपने काम छोड़ के चले जाएंगे अपने स्थानों से। उसके बाद बिजली जो है राम भरोसे रहेगी और उत्तराखंड सरकार की पूरी जिम्मेदारी रहेगी, क्योंकि उन्होंने जो है हमारे जो है पिछले 4 सालों से हमें बेवकूफ़ बनाया है,
समझौता हुआ है, साइन हुआ है, त्रिपक्षीय समझौता हुआ है, शासन के साथ समझौता हुआ है, हमारे प्रबंधक समझौता हुआ है, उसके बाद भी आस्था लागू नहीं करी गई है। हम विवश हैं, मजबूर हैं, इसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं, क्योंकि हमें अब इसका अंतिम चारा हमारे पास है। सरकार का समय अब लगभग पूरा होने की स्थिति में है और अभी अगर ये मांग पूरी नहीं होगी तो कब पूरी होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं मीडिया बंधुओं से पुनः आग्रह करता हूं, जो आप पीछे जनसैलाब देख रहे हैं, कृपया इसको जो है जरूर अवगत कराएं कि वास्तविकता क्या है। उनके आसपास जो लोग बता रहे हैं उन्हें गलत बात बता रहे हैं, जो सही बात नहीं बता रहे हैं उनको जो है वो चिन्हित करें। जो मांगे हैं, चूँकि मैं पहले अपना परिचय दे दूँ, मैं दीपक सांडिल्य बिजली कर्मचारी संघ संविदा प्रकोष्ठ का प्रदेश महामंत्री हूँ और उपनल के महामंत्री होने के नाते वैसे तो हमारा जो 14 सूत्रीय मांग पत्र संयुक्त मोर्चा द्वारा दिया गया है उसी में हमारी डिमांड ये रखी गई है कि ट्रिब्यूनल न्यायाधिकरण हल्द्वानी एवं हाईकोर्ट नैनीताल के आदेश के पश्चात भी सरकार हम लोगों को विभाग में नियमित नहीं कर रही है। तो हम लोगों ने क्योंकि उसके खिलाफ़ ये लोग सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है, उसका इंतजार करने की बात करते हैं, लेकिन ये भ्रमित करने की वाली बात है। यदि ये कुछ करना चाहते हैं तो जो हर प्रत्येक कर्मचारी जो अल्प वेतन में कार्य कर रहा है, तो यदि उपनल से हटाकर ये सीधे विभाग में ही हम लोगों को समायोजित कर दिया जाए और रिश्ता के आधार पर जब तक नियमितीकरण ना हो तब तक समान कार्य का समान वेतन यदि उपनल कर्मचारी को या हेल्थ सर्विस के साथी को मिल जाएगा तो जो व्यक्तियों के ऊपर जो GST दी जा रही है, जो कमीशन दिया जा रहा है, कम से कम उस कमीशन को सीधे अगर कर्मचारी को दिया जाएगा तो सरकार के वित्त भार नहीं बढ़ेगा और प्रबंधन के ऊपर वित्त भार नहीं बढ़ेगा और कर्मचारी को एक लाभ होगा। तो एक टर्म्स के अगर ये रणनीति के तहत अगर कार्रवाई करें तो मैं आशा करता हूं कि हम अवश्य ही हम लोग अपने कार्य को निष्ठापूर्वक करते आए हैं। कोरोना काल के इस महामारी के दौर में भी हमारे बड़े साथी जो हैं इसके अंदर जो हैं दुर्घटनाग्रस्त हुए और मृत्यु हुई है, लेकिन सरकार ने उन लोगों को भी अनदेखा कर दिया है। तो ये बड़ी संवेदनाहीन बातें ना कहते हुए मैं यही अपील करना चाहूँगा कि जो संयुक्त मोर्चा के घटक दल होने के नाते जो हमारी उपनल की जो डिमांड्स हैं, सेल्फ हेल्प की जो डिमांड्स हैं, उसके ऊपर विशेष बल दिया जाए, क्योंकि आज के समय में 10 या 12 हज़ार रुपये की नौकरी में घर चलाना संभव नहीं है और जोखिम भरा कार्य करते हैं जिसमें रात दिन बारिश हो, तूफान हो, आंधी हो, किसी भी प्रकार की उसके अंदर भी हम लोग निरंतर 24 घंटे कार्य करते हैं। और दुर्भाग्य ये है कि सब चीज़ जानने के बाद भी सरकार संवेदनहीन हो रखी है। तो मैं आशा करता हूं कि आपके इस चैनल के माध्यम से मैं चाहूंगा कि सरकार इस पीड़ा को समझे और जितना जल्दी हो सके इन 14 सूत्री कार्यक्रम के ऊपर अपना सकारात्मक रूप अपनाए, जिससे कि हड़ताल होने से बचा जा सके और प्रदेश की जनता को इस होने वाली समस्या से बचाए। देखिए, बिजली कर्मचारियों की ACP से फिर से बिजली कर्मचारियों की ACP समेत 14 सूत्रीय मांगों के लिए हम लोग यहाँ पे आज सत्याग्रह कर रहे हैं और 22 दिसंबर 2017 को हमारा एक त्रिपक्षीय समझौता हुआ था जिसके द्वारा हमें आश्वासन दिया गया था कि जल्दी मांगों पर सकारात्मक कार्यवाही होगी, लेकिन 4 साल व्यतीत हो चुके हैं, अभी तक इसी पर कोई भी कार्यवाही नहीं की गई। इसीलिए चरणबद्ध तरीके से हम लोग सत्याग्रह कर रहे हैं, जिसके तहत आज यहाँ पर 3 बजे तक सत्याग्रह होगा, उसके बाद एक विशाल रैली यहाँ से ऊर्जा भवन परिसर तक जाएगी और अगर तब तक हमारा जो प्रतिनिधिमंडल इस समय सचिवालय गया हुआ है वार्ता के लिए, अगर सकारात्मक कार्यवाही वहाँ पर नहीं हो पाई तो आज रात 12 बजे से हड़ताल सुनिश्चित की गई है। देखिए, हमारे मांग पत्र में स्पष्ट लिखा हुआ है कार्यक्रम की रणनीति कि अगर उस पर सकारात्मक कार्यवाही नहीं होती है तो 26 तारीख रात 12 बजे से मजबूरी व समय हड़ताल के अप्रिय कदम उठाने के लिए मोर्चा को बाध्य। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगी इजाजत, नमस्कार।